जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आदित्य और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एके में। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सेडिमेंट्री रॉक, उनके कैरेक्टरिस्टिक और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक, जो कि बेसिकली सविंदर सिंह सर द्वारा लिखी गई है, उसको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। और आप लोगों को इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाएं तो बुक आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक किस रॉक को कहते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक हमारे किस मटेरियल से बने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं वैसे कि सेडिमेंट्री रॉक का आपका, तो देखिए अगर आप सेडिमेंट्री रॉक का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इग्नियस रॉक का टॉपिक पढ़ चुका है ऑलरेडी। इग्नियस रॉक के अंदर आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि हमारी जो इग्नियस रॉक होती हैं उन्हें बेसिकली हमारे क्या कहा जाता है, उन्हें पेरेंटिंग रॉक भी कहा जाता है। ठीक, इग्नियस रॉक को पेरेंटिंग रॉक या कह सकते हैं उन्हें प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए उन्हें कहा जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी बाकी की जितनी भी रॉक हैं, या सेडिमेंट्री रॉक हो गई या मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, ठीक है, वो सब रॉक बेसिकली हमारी इग्नियस रॉक से ही एक ना एक तरीके से बनी हुई हैं। ठीक है, तो होता क्या है, फिर इग्नियस रॉक में हमने ये देखा था कि इग्नियस रॉक हमारी जब सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, यानी मान लीजिए ये हमारी क्या हुई, अर्थ सरफेस हुई, शुरुआत में हमारी इग्नियस रॉक बेसिकली यहाँ बनी होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी इग्नियस रॉक एक बनी, उसके बाद धीरे धीरे इरोजन जब हुआ और जब ये इग्नियस रॉक बेसिकली हमारे अर्थ के सरफेस पे आ गए, तो होता क्या है, इसके ऊपर अर्थ के बेसिकली इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ना पड़ना चालू हो जाता है। उसमें होता क्या है, बेसिकली दो तरह की प्रक्रियाएं होती, पहला होता था बेसिकली हमारा वेदरिंग होता है, क्या होता है, पहला हमारा वेदरिंग होता है और दूसरा होता है बेसिकली इसमें इरोजन। ठीक है, तो वेदरिंग में होता क्या है कि जो चट्टाने होती हैं बेसिकली उनका कई अलग अलग पार्ट में टूटना चालू हो जाता है, वो क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट के अलग अलग इफेक्ट में। जब वेदरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको गहराई में देखेंगे। उसके बाद होता क्या है, जब वेदरिंग हो जाती है, हमारे जो चट्टाने होती हैं क्या होती हैं, अलग अलग पेबल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे रॉक में बेसिकली फॉर्म हो जाती हैं। उसके बाद होता क्या है, जब इस पर बारिश होती है, या कह सकते हैं जब तेज से हमारी, जब इस पर रेन का प्रभाव पड़ता है या तेज से हवा चलती है या कहीं नदी होती है पानी यहाँ से बहता है, तो क्या करती है, इस जो पेबल्स होते हैं इनको बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करती है, यानी यहाँ से उखाड़ के इसको कहीं और दूसरे जगह पे ले जाती है, और कहीं पे इसको क्या करती है, दूसरे जगह मान लीजिए यहाँ पे बेसिकली इसको इकट्ठा करने का प्रयास हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या, जब यही इकट्ठा होते हैं लेयर्स में, लेयर्स लेयर अपना लेयर जब इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, तो ये नीचे वाले बेसिकली रॉक होते हैं, इनमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ेगा तो जाहिर बात है प्रेशर बनेगा, और जो प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने के बाद क्या करती हैं, आपस में बेसिकली ये सब रॉक जुड़ जाती हैं, आपस में ये रॉक जुड़ जाती हैं और उनसे एक रॉक का फॉर्मेशन होता है, उन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम सेडिमेंट्री रॉक जो वर्ड है हमारा बेसिकली, यानी कि जो सेडिमेंट्री हमारा वर्ड है, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव है, सेडिमेंटेशन, जिसका मतलब ही होता है बेसिकली हमारा क्या होता है, सेटलिंग डाउन। ठीक है, यानी कि हमारे सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म ड्यू टू एग्रोमेंटेशन, यानी एक तरह से यहाँ मान लीजिए इकट्ठा होना कह सकते हैं। ठीक है, और कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा, कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक होते हैं जो इन्हें स्ट्रेटिफाइड या लेयर्ड रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि इन रॉक के जो होते हैं लेयर्स वो अलग अलग सेडिमेंट के द्वारा बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इग्नियस रॉक आपने पढ़ा होगा उसके अंदर उन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, लेयर्स रॉक नहीं कहा जाता था। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि उसके बाद जो सेडिमेंट्स इसके होते हैं या डेब्रिस होते हैं, वो बेसिकली किस प्रोसेस से डिराइव होते हैं, वेदरिंग के प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, जो कि बाद में इरोड अवे हो जाते हैं किसी अलग स्थान या पे बेसिकली हवा या वाटर की वजह से। उसके बाद ये लेयर आफ्टर लेयर डिपोजिट होते हैं उस स्थान पे, उसके बाद सेडिमेंटेशन का वेट वहां पे बढ़ता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, और थस लेयर्स आर कंसोलिडेटेड इन एंड कंपैक्टेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, ये मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी। इसके बाद कई जगह आप ये डेब्रिस वर्ड सुन रहे होगे, आपने हो सकता है पहले ये वर्ड नहीं सुना होगा, तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट बता देता हूँ कि सेडिमेंट और डेब्रिस में क्या डिफ्रेंशिएट होता है। यानी कि देखिए, सेडिमेंट हमारा जो होता है
वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल, पार्टिकुलरली डर्ट का कलेक्शन होता है, यानी कि जो मैंने पार्टिकल बताए थे अभी रॉक के, उनका बेसिकली कह सकते हैं कनेक्शन क्या होता है, उन्हीं को बेसिकली क्या सेडिमेंट कहते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं डेब्रिस की बात करूँ, डेब्रिस इज बेसिकली रबल या रेकरेज या स्केटर्ड रिमेन्स ऑफ समथिंग डिस्ट्रॉय, यानी इसके अंदर कुछ भी किसी चीज़ को टूटी हुई हो, कोई भी इसमें चीज़ आ सकती है, कचरा हमने फेंक देते हैं वो भी इसके अंदर आ सकती है, या किसी एनिमल्स की फॉसिल्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन सेडिमेंट बेसिकली हम जो डर्ट होते हैं उन्हीं को बेसिकली सेडिमेंट कहते हैं, ठीक है, ये आप डिफरेंस याद ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अब बात करते हैं बेसिकली इनके कैरेक्टरिस्टिक की। अगर मैं सेडिमेंटरी रॉक की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है, ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि हमारी जो सेडिमेंटरी रॉक होती हैं उनके अंदर प्लांट और एनिमल के बेसिकली फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स का मतलब ये हो गया कि जब भी हमारा कोई प्लांट गिर जाता है धरती के अंदर समा जाता है, कोई एनिमल हमारे मरने के बाद जब धरती के अंदर वो समा जाते हैं, उसके बाद उनके डिकेइंग होने के बाद उनके जो पार्ट्स बच जाते हैं वो क्या होता है, और कई बार रॉक के अंदर मिल जाते हैं, रॉक मिल के अंदर उनके बेसिकली रॉक एक तरह से बन जाते हैं, तो उन्हें बेसिकली फॉसिल्स कहा जाता है। इनफैक्ट जो इनका एज होता है सेडिमेंट्री रॉक का, वो इन्हीं फॉसिल्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, पता किया जाता है, ठीक है। इसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा हमारा ये कहता है कि लगभग हमारे अर्थ सरफेस का क्या, हमारे अर्थ सरफेस का 75% जो एरिया है वो सेडिमेंट्री रॉक से कवर होता है, बाकी के 25% आपके उसके अंदर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिर्फ अर्थ के क्रस्ट की, तो उनके अंदर बेसिकली 5% सेडिमेंट्री रॉक ही पाया जाता है, लेकिन पूरे अर्थ सर्फेस पे 75% में पाए जाते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये कहता है कि जो सेडिमेंट्री सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जो बेसिकली सेडिमेंट्स होते हैं, उनका डिपोजिशन जो होता है एक सर्टेन सिक्वेंस और सिस्टम में उनका डिपोजिशन बेसिकली होता है, ठीक है। यानी कि जो सेडिमेंट का अगर हम बात करें तो उनका जो साइज होता है वो लिटोरल मार्जिन से लेके वाटर बॉडीज के सेंटर में क्या होता है, डिक्रीज होता है। लिटोरल मार्जिन सिंपल भाषा में यहाँ पे सिर्फ समझाने का आपको प्रयास करें कि आपको ये लाइन समझ में आ जाए, कह सकते हैं फिर पानी का किराना सब की किनारा हो गया, ठीक है, यानी पानी किराने किनारे से लेके उसके वाटर बॉडीज के सेंटर तक बेसिकली इनको क्या कहा जाता है, लिटोरल मार्जिन कहा जाता है, ठीक। चौथी की अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक की, तो चौथी ये कहती है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट होते हैं वो बेसिकली कंसोलिडेटेड और कम्पैक्ट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंटिंग एलिमेंट से, यानी कि जो सेडिमेंट होते हैं उनके अंदर कई बार सिलिका आयरन और कंपाउंड के आयरन कंपाउंड मिलते हैं, यानी कि मान लीजिए सेडिमेंटरी रॉक हमारे इन सब एलिमेंट और इसके अलावा एलिमेंट के से ही बने होते हैं, जैसे कि हमने इग्नियस रॉक के अंदर देखा था कि वो भी कई अलग अलग एलिमेंट थे मिलकर बने होते हैं, ठीक। फिर पांचवा, जो हमारे सेडिमेंटरी रॉक होते हैं क्या होते हैं, सेडिमेंटरी रॉक जो होते हैं उनके अंदर मासिव स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, मासिव फॉर्म में उनके स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, जैसे कि हमने इग्नियस रॉक के अंदर देखा था आपका बैथोलिथ हो गया था, लैकुलिथ हो गया था, डाइस हो गया था, ठीक है। छठवां कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि जो सेडिमेंटरी रॉक के लेयर्स होते हैं वो जनरली डिफॉर्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं एक तरह से कह सकते हैं, जब उनके ऊपर कंप्रेसिव या टेंशनल फोर्स लगता है। कंप्रेसिव टेंशनल फोर्स अगर मैं शॉर्ट में समझाने प्रयास करूँ, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे इसका, तो कंप्रेसिव फोर्स मान लीजिए कि हमारी कोई रॉक हो गई, मान लीजिए हमारी क्या हुई क्रस्ट हो गई, तो जब इनके अंदर ये दोनों तरफ से जब खींचने का प्रक्रिया होती है, जब खिंचाव इनके ऊपर पड़ता है तो जो फोर्स होती है उसी को बेसिकली जो खींचने का इनको प्रयास करते हैं उन्हें बेसिकली टेंशनल फोर्स कहा जाता है। लेकिन जब क्या होता है, जब ये इनके ऊपर दबाव पड़ता है चारों तरफ से, तो उन जो फोर्स इन पर दबाव डालती उन्हें बेसिकली कंप्रेसिव फोर्स कहा जाता है, ठीक। सतवें कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, सतवें कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि जो कंपोजिशन होता है हमारे सेडिमेंटरी रॉक का वो बेसिकली डिपेंड करता है सेडिमेंटिंग एलिमेंट के नेचर पे और रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स पे। यहाँ पे हमने देखा था चौथे में कि जो सेडिमेंटरी रॉक के सेडिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग सीमेंटिंग एलिमेंट कह सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट से बने होते हैं। लेकिन वहीं पे हमने सतवें में ये देख रहे हैं कि जो सेडिमेंटरी रॉक बेसिकली होती है उनका जो नेचर होता है वो इन्हीं एलिमेंट के ऊपर डिराइव होता है, इन्हीं कह सकते हैं इन्हीं एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक। आठवें की बात करें तो आठवां ये कहती है कि जो सॉफ्ट मड होते हैं या एलुवियल डिपॉजिट होते हैं जो कि रिवर के द्वारा आते हैं बनते हैं किसी फ्लड के दौरान, तो जब उनके अंदर बेसिकली जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो बेसिकली जब गर्म होते हैं तो उनके अंदर क्रैक डेवलप हो जाता है। सच क्रैक को बेसिकली मड क्रैक या सन क्रैक कहा जाता है।
इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर किसी नदी किनारे जाए जहाँ पे हर साल बाढ़ आती रहती है, जो जब बाढ़ हट जाती है वहाँ से पानी हट जाता है तो किनारे से, और जब वो धूप के अंदर आ जाता है तो उस मिट्टी को आप देखने का प्रयास करेंगे तो उनके अंदर बेसिकली कई तरह की क्रैक जनरेट होती है। तो वहीं पे यही उसी ये लाइन उसी चीज को समझाने का आपको प्रयास कर रहा है। ठीक है, नगवा ये कहती है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो बेसिकली प्रीमिएबल होते हैं और पोरस होते हैं। ठीक है, यानी प्रीमिएबल पोरस यानी कई कई अंदर छेद होते हैं और उनके थ्रू वाटर बहुत आसानी से जा सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब यही हो गया। पर जो कुछ होते हैं वो नॉन पोरस भी होते हैं और इम्पेरमिएबल भी होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ इनके पोरोसिटी की, अभी मैंने देखा ना कई के अंदर कई छेद पाए जाते हैं, कई के अंदर वाटर आसानी से जा सकता है, कई के अंदर नहीं जा सकता। तो इसी की अगर मैं बात करूँ पोरोसिटी की रॉक की, या जो बेसिकली इनका जो होता है ये इनका जो वॉइड्स और वॉल्यूम होता है किसी गिवन रॉक का, उसके रेशियो बेसिकली डिपेंड करते हैं। ठीक, इसके बाद आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बेसिकली देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म हमारा बेसिकली आता है बेड, या कह सकते हैं उन्हें लेयर भी कहा जाता है या उन्हें स्ट्रेटा भी कहा जाता है। तो जब हमारी सेडिमेंट्री रॉक की जो थिकनेस होती है, मोटाई कह सकते हैं होती है, जब वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है तो उन्हें जनरली क्या कहा जाता है, बेड्स कहा जाता है या लेयर्स या स्ट्रेटा कहा जाता है। ठीक है, और वहीं पे जब उनकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर से कम होती है तो उन्हें बेसिकली लैमिने कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैमिने कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बेडिंग प्लेन की, जो कनेक्टिंग प्लेन होता है दो बेड्स के बीच के, उन्हें जनरली बेडिंग प्लेन कहा जाता है। यानी मान लीजिए ये हमारी एक लेयर होगी सेडिमेंट्री रॉक की, ठीक है, तो इन्हें जब ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी तो इन्हें बेसिकली लेयर से या बेड या स्ट्रेटा कहा जाता है, और जब यही 1 सेंटीमीटर से कम होती है तो इन्हें लैमिने कहा जाता है। और जब ये एक मान लीजिए एक लेयर हो गई, ये हमारी दो लेयर हो गई, तो इसके बीच का जो ये प्लेन होता है या लाइन कह सकते हैं कि बेसिकली बाउंड्री कह सकते हैं, उन्हें जनरली हमारी बेडिंग प्लेन कहा जाता है। ठीक है, सम टाइम जैसा लोअर सरफेस होता है बेड का, उन्हें बेसिकली सोल कहा जाता है। यानी इस वाले पार्ट को, मान लीजिए कनेक्टिंग प्लेन हो गया हमारा, इस वाले पार्ट को कई बार बेसिकली सोल कहा जाता है, सिर्फ इस बेड की हम बात करें। और इसका जो अपर सरफेस होता है इन्हें बेसिकली बेडिंग सरफेस कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, बेडिंग सरफेस इन्हें कहा जाता है। ठीक, यानी इस तरह से मान लीजिए ये हमारी एक बेडिंग प्लेन हो गई, ये दूसरी प्लेन हो गई, तो इसका बेडिंग प्लेन का नीचे वाला सरफेस को सोल कहा जाता है और अपर सरफेस को बेसिकली बेडिंग सरफेस कहा जाता है। ठीक है, थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो गए थे हमारे द्वारा ही, माफ करिएगा उसके लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरी टर्म की जो होता है कन्फर्मिटी, तीसरी टर्म ये कहती है कि द यूनिफॉर्मिटी ऑफ टू कंसेक्यूटिव बेड अलॉन्ग बेडिंग प्लेन इज कॉल्ड कन्फर्मिटी। दैट इज जब दो बेड होते हैं हमारे सिमिलर होते हैं ऑल रेस्पेक्ट, मान लीजिए ये हमारी एक बेड हो गई, ठीक है, ये बेसिकली बीच से हमारी एक ये बेड हो गई, तो जब ये दोनों बेड और ये बेडिंग प्लेन हमारी हो गई, ठीक है, ये हमारी बेडिंग प्लेन हो गई, तो जब ये बेड में हर रेस्पेक्ट में इनके अंदर जब सिमिलरिटी पाई जाती है तो उन्हें बेसिकली कन्फर्मिटी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चौथी अगर बात करें तो अनकन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी यानी सिमिलर होगा, तो अनकन्फर्मिटी के मतलब जनरली हो जाएगा जब ये दोनों बेड हमारी सिमिलर नहीं होते हैं तो आमतौर पर कन्फर्मिटी कहा जाए अनकन्फर्मिटी कहा जाता है। ठीक है, अब अनकन्फर्मिटी के कई तरह के टाइप्स होते हैं। पहला आता है हमारा नॉन कन्फर्मिटी, जब हमारे सेडिमेंट्री रॉक सक्सीड कर जाते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक को, तो उन्हें बेसिकली नॉन कन्फर्मिटी कहा जाता है। यानी मान लीजिए ये नीचे वाला बेडिंग जो हमारा प्लेन हमारे बेड हो गया, लेयर हो गया, ये किसी इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक से बना है और इसके ऊपर वाला सेडिमेंट्री रॉक से बना है, तो उन्हें बेसिकली इस पूरी चीज को बेसिकली नॉन कन्फर्मिटी कहा जाता है। ठीक है, इसको नॉन कन्फर्मिटी से शो किया जाता है। फिर दूसरा होता है हमारा एंगुलर कन्फर्मिटी, जब हमारे सेडिमेंट बेड आर डिपोजिटेड ओवर अ फोल्डेड और टिल्टेड स्ट्रेटा, तो उन्हें बेसिकली एंगुलर कन्फर्मिटी कहा जाता है। यानी कि नीचे वाला मान लीजिए हमारा ये बेड हमारी बेसिकली, ठीक है, यानी कि ये बेड हमारी थोड़ी सी टिल्ट है, और जब इसके ऊपर हमारी एक सेडिमेंट की लेयर जमा हो जाती है, इसके ऊपर जब सेडिमेंट की लेयर जमा हो जाती है तो उन्हें बेसिकली इस पूरे चीज को एंगुलर कन्फर्मिटी कहा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा आता है हमारा डिसकन्फर्मिटी, जब हमारे दो कन्फर्मल बेड सेपरेट हो जाते हैं मियर चेंज ऑफ सेडिमेंट टाइप के, तो उन्हें बेसिकली डिसकन्फर्मिटी कहा जाता है। यानी कि नीचे वाली बेड में और ऊपर वाली बेड में जो डिफरेंस हो वो बहुत ही हल्का होता है तो उन्हें बेसिकली डिसकन्फर्मिटी हो जाता है। ठीक है, उन्हें डिसकन्फर्मिटी कहा जाता है। फिर चौथा आता है हमारा पैरा कन्फर्मिटी,
वेन टू सेट्स ऑफ कन्फर्मल बेड आर सेपरेटेड बाई सेम टाइप ऑफ सेडिमेंट्री, तो उन्हें बेसिकली पैरा कन्फर्मिटी कहा जाता है। यानी ये भी सेडिमेंट्री रॉक हो, ये भी सेडिमेंट्री रॉक हो, पर इसके अंदर जो एलिमेंट्स हो या कुछ रॉक के पार्टिकल्स हों, थोड़े बड़े हों, इनमें छोटे हों, तो उन्हें बेसिकली पैरा कन्फर्मिटी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली आइए क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक की। तो अगर मैं बात करूँ सेडिमेंट्री रॉक क्लासिफिकेशन के बारे में, तो बेसिकली इनका जो सेडिमेंट्री रॉक क्लासिफिकेशन होता है, इनको दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेडिमेंट, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। यानी पहले में सेडिमेंट का नेचर होता है, उनके आधार पर इनको क्लासीफाई किया जाता है, और दूसरे में जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं जैसे कि हमारे वाटर हो गए, एयर हो गए, इनके आधार पर इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। पहले की अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ सेडिमेंट के आधार पर, तो इनको बेसिकली तीन टाइप में रखा जाता है। पहला मैकेनिकली फॉर्म और क्लास्टिक रॉक, दूसरा होता है हमारे केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, इसे नॉन क्लास्टिक रॉक भी कहा जाता है। फिर तीसरा आता है हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं बेसिकली क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली आपका मैकेनिकली फॉर्म्ड या क्लास्टिक रॉक की, तो मैकेनिकली फॉर्म जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ये बेसिकली फॉर्म होते हैं जो उसके प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं। जैसे मैंने बताया इग्नियस रॉक, मान लीजिए प्री एग्जिस्टिंग रॉक क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक से पहले जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक हमारा इग्नियस रॉक ही हो गया। तो जब भी हमारे जो इग्नियस रॉक होते हैं उनके फिजिकल ब्रेकडाउन से और ट्रांसपोर्टेशन से, या उनके जो मिनरल्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर हो गए, जब कहीं एक जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके जो द्वारा जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, उन्हें बेसिकली क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। इन्हें क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली कंपोज ऑफ फ्रेगमेंट या क्लास्ट से जो कि बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, जो क्लास्टिक रॉक का फॉर्मेशन होता है कई सेवरल प्रोसेस में इनके अंदर इन्वॉल्व होता है। पहला ये होता है वेदरिंग होता है इनके अंदर। ठीक, क्या होता है, पहला वेदरिंग होता है जिसके अंदर रॉक जो होते हैं वो फिजिकली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। फिजिकली कह सकते हैं, केमिकली या बायोलॉजिकली क्या होते हैं, टूट जाते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट में। उसके बाद जो फ्रेगमेंट होते हैं प्रोड्यूस होते हैं वेदरिंग के द्वारा, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, या कह सकते हैं इनके अंदर इरोजन हो जाता है, इसके द्वारा वाटर, विंड या आइस के द्वारा एक नए लोकेशन पे जहाँ पे ये एक्यूमुलेट होके और डिपोजिट होके क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, जो डिपोजिशन प्रोसेस होता है वो कैन ऑकर इन वेरियस इन्वायरमेंट, कहीं भी ये होता, कहीं भी हो सकता है, आपका रिवर के अंदर हो सकता है, लेक के अंदर, ओशियन के अंदर, या डिजर्ट में भी होता है। ठीक है, इसके बाद जो इनका साइज और शेप होता है क्लास्टिक रॉक का, या डिग्री ऑफ सॉर्टिंग कह सकते हैं, या नेचर कह सकते हैं सीमेंटिंग मटेरियल का, इनके आधार पर इनको कई टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है हमारा सैंड स्टोन, उसके बाद दूसरा आता है हमारा कॉन्ग्लोमरेट आता है, फिर तीसरा हमारा आता है क्ले रॉक या सिल। तो आइए इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सेडिमेंट की, सेडिमेंट सैंड स्टोन की, माफ करेगा, तो सैंड स्टोन बेसिकली जब हमारे सेडिमेंट ग्रेन जो होते हैं, जब वो वाटर के अंदर बेसिकली जाके, सेडिमेंट ग्रेन होते हैं हमारे, जब वाटर के अंदर बेसिकली जाके इकट्ठा होकर रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन्हें बेसिकली सैंडस्टोन्स कहते हैं। यानी कि व्हेन सेडिमेंट्स ग्रेन्स आर डिपोजिटेड इन वाटर बॉडीज एंड आर एग्रीगेटेड एंड कंसोलिडेटेड बाय सीमेंटिंग एलिमेंट, एग्जांपल हो गया सिरका हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, तो इनके द्वारा जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, सैंडस्टोन कहा जाता है। ठीक है, जो सैंडस्टोन का कलर होता है वो इनके नेचर और अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग एलिमेंट के आधार पर ही डिसाइड होता है कि इन तक कौन सा कलर होगा। ठीक है, यानी कि जब ये आयरन ऑक्साइड से बेसिकली सैंडस्टोन बने होते हैं तो इनका कलर जो होता है रेड या ग्रे हो जाता है, लेकिन जब ये हमारे कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं तो ये बेसिकली वाइट या ग्रे कलर में पाए जाते हैं। ठीक है, आमतौर पर, और जो भी हमारे सिलिका के द्वारा बने होते हैं तो ये हमारी हार्ड और रेजिस्टेंस हो जाते हैं इरोजन से। पर लेकिन आमतौर पर एवरेज पे बात करें तो सैंडस्टोन जो होते हैं वो बेसिकली पोरस रॉक होते हैं। पोरस रॉक अगर होगा तो जो पानी के अंदर फॉर्मेशन हो, जाहिर सी बात है जो वाटर होगा इनके अंदर आसानी से क्या कहा जाता है, पेरक्लोट हो जाता है, यानी आसानी से इनके अंदर चला जाता है। ठीक, उसके बाद इनके टेक्सचरल और मिनरोलॉजी के आधार पर, इन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर सैंडस्टोन को कई तरह में क्लासीफाई किया जाता है। टेक्सचर के अंदर बेसिकली इनकी स्मूथनेस, साइज, शेप सब आ जाती है। ठीक है, पहला आता है हमारा क्वार्ट्ज एरेनाइट। जब हमारी ये रॉक सैंडस्टोन होती है वो कम्प्लीटली क्वार्ट्ज के ग्रेन से बनी होती है, यानी क्वार्ट्ज से बनी होती है, तो इन्हें बेसिकली क्वार्ट्ज एरेनाइट कहते हैं।
लेकिन जब ये फेल्डस्पार्स पूरी बनी होती है तो इन्हें आर्कोसेडेंट या सैंडस्टोन कहते हैं। फिर तीसरी आती है हमारी लिथिक एरेनाइट, जब ये पूरी फाइन ग्रेन रॉक से बनी होती हैं। यहाँ पे एलिमेंट का नाम नहीं रखा, वैसे रखा है कि जब ये फाइन ग्रेन रॉक से बनी होती हैं तो इन्हें बेसिकली लिथिक एरेनाइट कहते हैं। फिर चौथा आता है हमारा ग्रेवैक्स सैंडस्टोन, तो जब ये बेसिकली क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और रॉक फ्रेगमेंट, यानी इन तीनों को मिला के जब कोई रॉक का फॉर्मेशन होता है, इनके अंदर तीनों एलिमेंट पाए जाते हैं, तो इन्हें बेसिकली ग्रेवैक्स सैंडस्टोन कहा जाता है। ठीक, सैंडस्टोन हमारे इस तरह देख सकते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं व्हाइट कलर के भी होते हैं, ये ब्राउन हो गया, ठीक है, ब्राउन या रेड कह सकते हैं, ये सब हमारे सैंडस्टोन के ही देख सकते हैं एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर हम बात करें दूसरा कॉन्ग्लोमरेट की, तो कॉन्ग्लोमरेट जो होते हैं वो बेसिकली राउंडेड रॉक के फ्रेगमेंट कह सकते हैं, हमारे ग्रेन्स जब होते हैं उनके द्वारा जब उनका फॉर्मेशन होता है तो उन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है। यानी कॉन्ग्लोमरेट आर फॉर्म्ड ड्यू टू सीमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटल रॉक कंटेनिंग राउंडेड रॉक, यानी इस तरह के बेसिकली रॉक के जब ये बेसिकली एक साथ मिलके इनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, राउंडेड रॉक के द्वारा, तो इन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, कंग्लोमरेट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इफ द फ्रेगमेंट अब जो होते हैं शार्प रॉक होते हैं, यानी कि जो होते जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट देख रहे हैं ये इनका कुछ इस तरह शेप हो गया, कुछ इस तरह शेप हो गया, शार्प होते हैं, तो उन्हें कंग्लोमरेट ना करके इन्हें ब्रेसिया कहा जाता है। ठीक, जो फ्रेगमेंट होते हैं ये टाइपिकली सीमेंटेड टुगेदर बाई सैंड या क्ले के मिनरल के द्वारा ही बेसिकली ये बनते हैं। ठीक है, और जब ये सिलिका के द्वारा सीमेंटेड हो जाते हैं तो ये बहुत ही हार्ड रॉक हो जाते हैं और रेजिस्टेंस टू इरोजन हो जाते हैं। यही केस हमने बेसिकली इसके अंदर भी देखा था कि जब सैंडस्टोन हमारे सिलिका के द्वारा बनते हैं तो ये भी हार्ड और रेजिस्टेंस हो जाते हैं। यानी कि यहाँ से कुछ कॉमन इनके अंदर मिल भी रहा है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बेसिकली ये क्या है, राउंडेड शेप के रॉक से बने हुए हैं, फ्रेगमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, अब आइए हम बात कर रहे हैं बेसिकली क्ले रॉक या सेल की। क्ले रॉक बेसिकली आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन एंड सीमेंटेशन ऑफ फाइन सेडिमेंट, यानी बहुत ही छोटे छोटे सेडिमेंट से जब रॉक का फॉर्मेशन होता है, सेडिमेंटरी रॉक का बेसिकली फॉर्मेशन होता है, उन्हें बेसिकली क्ले रॉक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि द रॉक फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट हैविंग द ग्रेन साइज, जब उनके ग्रेन के साइज इतना मिलीमीटर से लेकर इतना मिलीमीटर होता है तो उन्हें बेसिकली सिल्ट सिल्ट्स कहा जाता है। वेयर एच क्ले आर फॉर्म्ड ऑफ द ग्रेन साइज ऑफ 0. इतना एमएम से लेके 0. इतना एमएम, यानी कि क्ले रॉक और ये हो गए कि बेसिकली जब उनकी ग्रेन का साइज इतना एमएम होता है तो इससे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उन्हें क्ले रॉक कहते हैं, लेकिन जब उनका साइज इससे लेके उससे और छोटा होता है तो बेसिकली उनका जो रॉक फॉर्मेशन होता है उन्हें बेसिकली सिल्ट्स कहते हैं। ठीक है, क्ले रॉक हमारे जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली काओलिन मिनरल से बेसिकली उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं कॉलिन मिनरल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली केमिकली फॉर्म्ड या नॉन क्लास्टिक रॉक की। केमिकली फॉर्म्ड या नॉन क्लास्टिक रॉक बेसिकली उन रॉक को कहते हैं कि आइए पहले देख सकते हैं कि यानी कि रनिंग वाटर जो कि केमिकल मिनरल को कंटेन करता है, जब ये केमिकली एक्टिव वाटर कॉन्टेक्ट में आता है किसी कॉन्क्रीट रॉक के, तो क्या होता है, सॉल्युबल मटेरियल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जो सॉल्युबल मटेरियल होते हैं रॉक के ऊपर वो बेसिकली हट जाते हैं वहां से, और सच मटेरियल आर कॉल्ड केमिकली डिराइव्ड और फॉर्म्ड सेडिमेंट। यानी कि इसको एक समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए कोई हमारी यहाँ पे रॉक हो गई, कई तरह की हमारी रॉक हो गई, इसके ऊपर कुछ तरह के हमारे केमिकल के एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और जब बेसिकली यहाँ से बारिश है, मान लीजिए रॉक हो, जब यहाँ पे हमारी क्या होती है बारिश होती है, तो जब यहाँ से इसके ऊपर से पानी बहता है तो क्या होता है, इसके अंदर भी कुछ तरह के केमिकल बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो जब ये इसके सरफेस से क्या कॉन्टेक्ट में आते हैं, इनके सरफेस से कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इसके ऊपर के जो बेसिकली सॉल्युबल मिनरल मटेरियल्स हमारे होते हैं इनको बहा के ले जाके कहीं पे इकट्ठा कर देते हैं, तो जब इन मटेरियल से हमारे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उन्हें बेसिकली केमिकली फॉर्म्ड रॉक कहा जाता है, यानी नॉन क्लास्टिक रॉक इन्हें भी कहा जाता है। दिस केमिकल मटेरियल आफ्टर बीइंग सेटल्ड डाउन कंपैक्टेड एंड सीमेंटेड फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक सच एज जिप्सम और साल्ट रॉक, इनका एक एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं साल्ट रॉक बेसिकली इसको कहा जाता है, जिप्सम बेसिकली आपको इस रॉक को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक की। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक होते हैं वो रॉक होते हैं जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक रिमेन्स के अक्यूमुलेशन से बेसिकली इनका फॉर्मेशन होता है, यानी बेसिकली प्लांट हो गए या एनिमल के फॉर्मेशन से बेसिकली जब इनका फॉर्मेशन होता है तो बेसिकली ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड क्या कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक कहा जाता है। ठीक है,
द ऑर्गेनिक रिमेन यूजली डिराइव फ्रॉम प्लांट एनिमल एंड मे बी प्रिजर्व इन द रॉक एज फॉसिल. ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट बिगेन विद द एक्यूमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. जाहिर सी बात है, जब यानी कि इनका फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनिक मटेरियल से ही होता है, तो इकट्ठा होने से इनका फॉर्मेशन होगा. और जैसे जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे एक्यूमिनेट होते हैं, इट इज ऑफ्टन बरीड बाय सेडिमेंट विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिकेज. यानी वो ऑर्गेनिक सेडिमेंटरों को डिके होने में, जब सेडिमेंट से ढक जाते हैं, तो इनके ऊपर क्या होता है, पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर हवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, डिके ही नहीं होंगे जब वो, तो ये इनको प्रिजर्व होने में क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है. और जब ओवर टाइम द प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम द ओवरलाइंग सेडिमेंट जब बढ़ जाता है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल को बेसिकली सॉलिड रॉक में फॉर्म कर देते हैं, जिन्हें हम बेसिकली ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं. ठीक है. फिर ये लाइम और कार्बन कंटेंट के आधार पर इनको तीन कैटेगरी में रखा जाता है. पहला होता है कालकेरियस रॉक, दूसरा होता है हमारा कार्बोनेसियस रॉक, और तीसरा होता है हमारा सिलिक्सियस रॉक. ठीक है. कालकेरियस रॉक की अगर हम बात करें, तो कालकेरियस रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन एंड कंसोलिडेशन सेडिमेंट डिराइव फ्रॉम द स्केलेटन. यानी किसी जानवर के स्केलेटन से जब ये क्या कहते हैं, या बेसिकली हमारे एनिमल या प्लांट को जो रिमेन होते हैं, उससे जब किसी रॉक का फॉर्मेशन होता है इकट्ठा होने के बाद, तो उन्हें बेसिकली कालकेरियस रॉक कहते हैं. ठीक है. द कालकेरियस रॉक आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, यानी कलेक्टिवली जब एक साथ कहीं मिल जाते हैं, बेसिकली कार्बोनेट रॉक या सिंपली कार्बोनेट का रॉक कहा जाता है. जैसे कि हमारे लाइमस्टोन हो गई, या कैल्शियम कार्बोनेट हो गई, या हमारी डोलोमाइट हो गई. ठीक है. ये सब बेसिकली हमारे कालकेरियस रॉक के अंदर ही आते हैं. ठीक है. तो लाइमस्टोन जो होते हैं हमारे वेरी वीक होते हैं रॉक इन ह्यूमिड, बिकॉज जो होते हैं ये आसानी से इजिली डिस्कोट हो जाते हैं व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर, बट दीज बिकम रेजिस्टेंट रॉक इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो बता दूँ, लाइम होते हैं बेसिकली ये कालकेरियस रॉक के अंदर ही आते हैं. तो जब होता क्या है, जब ये पानी से आसानी से मिल जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, इरोड हो जाते हैं. लेकिन जब ये किसी मान लीजिए रेगिस्तान में इनका फॉर्मेशन हो गया, या ऐसे फॉर्मेशन में हो गया जहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही हॉट ड्राई क्लाइमेट होता है, तो क्या होते हैं, ये बहुत ही रेजिस्टेंस रॉक की तरह से इनका फॉर्मेशन बन जाते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज आर नॉट अफेक्टेड बाई डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस. जब हॉट क्लाइमेट होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, बारिश बहेगी, बारिश होगा नहीं, तो इस पानी से इन पर प्रभाव पड़ेगा नहीं. तो बेसिकली क्या होते हैं, ये जब ये ऐसे इन्वायरमेंट का पैदा होते हैं, तो इन बेसिकली क्या रेजिस्टेंस बन जाते हैं. ठीक है. द रॉक हैविंग द कार्बोनेट ऑफ बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑल नोन एज डोलोमाइट. ठीक है. यानी कि ऐसी रॉक जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों पाई जाती है, इन्हें बेसिकली डोलोमाइट कहा जाता है, जो कि लेस सॉल्यूबल होते हैं लाइम स्टोन से. ठीक है. जब पानी में इनको मिलाया जाए. ठीक है. जो कार्बोनेट रॉक होते हैं इनके अंदर वेदरिंग और केमिकल इरोजन के बाद ये बेसिकली कार्स्ट टोपोग्राफी को जन्म देते हैं. इसका इमेज आप एक बार गूगल करके देख लेना. इनका बेसिकली चाक जो होता है, एक एग्जाम्पल होता है चौक, जो आपने लिखा होगा बोर्ड पे, देखा होगा बोर्ड पे जैसे चौक से लिखा जाता है, वो बेसिकली कालकेरियस रॉक के अंदर ही आते हैं. ठीक है. पर ये जो होते हैं, जो आपने इसको हाथ में देखा होगा, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत पोरस होते हैं देन लाइम स्टोन. ठीक है. चौक बेसिकली जब तब फॉर्म होते हैं जब कार्बन मटेरियल का प्रेसिपिटेशन होता है, जो कि बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉर्म मिलते हैं, जिसका नाम हो गया था फॉरिनिफेरिया. जब यानी कि फॉरिनिफेरिया नाम की जो ऑर्गेनिज्म होती है, इनके जो रिमेन बच जाते हैं, इनके रिमेन बचने के बाद जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो उससे जो फॉर्मेशन होता है, यानी वो बेसिकली उसे चौक कहते हैं. ठीक है. हम बात करते हैं पहले दूसरा आपका कार्बोनिकसियस रॉक की. कार्बोनिकसियस रॉक बेसिकली आर फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन बिकॉज ऑफ देयर बरियल ड्यूरिंग अर्थ मूवमेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. यानी कि एक तरफ हमने देखा कि जो पहली आपकी ये थी कालकेरियस रॉक की, वो बेसिकली हड्डियों से एनिमल के रिमेन्स के जो हड्डी बच जाते हैं उनके फॉर्मेशन होता है. लेकिन जो कार्बोनेसियस रॉक होते हैं, ये बेसिकली जो वेजिटेशन होते हैं उसके अलग अलग तरफ के वेजिटेशन जो होते हैं उनके रिमेन से बेसिकली इनका फॉर्मेशन होता है. ठीक है. जो अदर फॉर्म ऑफ कार्बोनेसियस रॉक होता है, वो बेसिकली पेगेटाइट होता है, पीट होता है, माफ करें, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनियस होता है, फिर एंथरसाइट के कोल भी होते हैं. यानी जो कोल होते हैं, वहाँ पर मैंने अभी आपको पीछे बताया था कोल उनमें पाए जाते हैं, वो गलत था. ठीक है. यानी कोल बेसिकली कार्बोनेसियस रॉक के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है. ठीक है. कोल्स आर फाउंड इन स्ट्रेटिफाइड फ्रॉम वेयर इन कोल लेयर आर नोन एज कोल सीम. कोल के लेयर को बेसिकली कोल सीम्स कहा जाता है. ठीक है. यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा एक चीज, कार्बोनेसियस रॉक जो होते हैं
वो इकोनॉमिकली तौर पे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जियोलॉजिकल के तौर पे, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोल जो होता है हमारे लिए एक उस स्थान पे जियोलॉजी के आधार पर वो कम इंपॉर्टेंट होते हैं, पर हमारी इकोनॉमिक तौर पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी के हम बात करें, आता है आपका सिलिसियस रॉक। सिलिसियस रॉक बेसिकली फॉर्म होते हैं माइक्रोस्कोपिक जो मराइन हमारी ऑर्गेनिज्म होती है उनके सेल्स से, ठीक है। सच एज डायटोम हो गया या रेडियोलिनस हो गया, यानी कि पानी में पाए जाने वाले जो हमारी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल्स से बेसिकली जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उन्हें बेसिकली सिलिसियस रॉक कहा जाता है, ठीक है। जो कि बेसिकली हमारे सिलिका से बने होते हैं, इसलिए ना सिलिसियस रॉक भी कहा जाता है। तो जब ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली मर जाते हैं और इनके जो सेल सिंक होते हैं बेसिकली ओशियन फ्लोर पर जाकर डिपोजिट हो जाते हैं, और एक्यूमुलेट होने के बाद कई टाइम के बाद बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें बेसिकली डायटोमाइट या ट्रेडुलराइट कहा जाता है, ठीक है। गिजरिस बेसिकली सिलिस रॉक का एग्जाम्पल होता है। जो गिजराइट्स हमारे होते हैं वो डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं, जैसे व्हाइट कलर में पाए जाते हैं, ग्रे में पाए जाते हैं, पिंक में पाए जाते हैं, क्योंकि इंप्योरिटीज ऑफ डिपोजिशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेडिमेंट, क्योंकि इनके अंदर कई तरह के सेडिमेंट पानी के अंदर जब रॉक फॉर्मेशन हो, जाहिर सी बात है कई तरह तरह के सेडिमेंट इनके अंदर आ जाते हैं। जो सिलिकस रॉक हमारे होते हैं आर नोन फॉर देयर अपने हार्डनेस के लिए जाने जाते हैं और रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एंड इरोजन। हालांकि ये फॉर्मेशन जो इनका होता है पानी के अंदर ही होता है, पर इसके बाद भी ये बेसिकली क्या करते हैं, हार्डनेस और अपने वेदरिंग और इरोजन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। देयर इनको बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल के लिए तौर पे भी यूज किया जाता है, जिसमें बेसिकली जो ग्लास हमारी होती है, जो सेरेमिक्स हमारे होते हैं या कुछ अदर प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली हमारी सिलिसियस रॉक के द्वारा ही बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के आधार पर। तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के आधार पर बेसिकली तीन तरह की हमारी रॉक जो होती पाई जाती हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, तीन तरह की रॉक बेसिकली एक पाई जाती है। पहली होती है एक्यूअस रॉक, ठीक। दूसरी होती है हमारी एओलियन सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरी होती है ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक। एक्यूअस रॉक यानी जब हमारी जो उस रॉक का फॉर्मेशन होता है पानी के द्वारा बहाने के, जब कोई रॉक का जो होता है सेडिमेंट होते हैं वो पानी के द्वारा बह कहीं जाके इकट्ठा होकर उनके रॉक का फॉर्मेशन होता है, तो उन्हें बेसिकली एक्वस रॉक कहा जाता है। लेकिन जब वो हवा के द्वारा उड़ा के इनको सेडिमेंट कहीं ले जाके इकट्ठा करके रॉक का फॉर्मेशन किया जाता है, तो उनके एलियन सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। और जब वो हमारे ग्लेशियर्स के द्वारा उनका कहीं एलिमेंट का जो इकट्ठा होकर सेडिमेंट का इकट्ठा होकर रॉक का फॉर्मेशन होता है, तो उन्हें बेसिकली ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, ठीक है। तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपका एर्गिलेसियस रॉक की, तो एर्गिलेसियस जो रॉक होते हैं हमारे वो बेसिकली आर फॉर्म बेसिकली एयर वाटर एरियाज के अराउंड इनका फॉर्मेशन होता है। इन्हें एर्गिलेसियस रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर क्ले की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इन्हें बेसिकली एर्गिलेसियस रॉक कहा जाता है। और जो वर्ड आपका एर्गिलेसियस है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव है, एर्गिल या एर्गिल, जिसका मतलब बेसिकली आपका क्ले होता है, ठीक है। उसके बाद इन्हें एक्वस रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वर्ड एक्वा है वो बेसिकली एक्वा वर्ड से डिराइव, जिसका मतलब वाटर होता है, ठीक है। आमतौर पर जनरली जो हमारे अर्गलेसियस रॉक होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। अर्गलेसियस रॉक को बेसिकली तीन कैटेगरी में और डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उनके बेसिकली प्लेसेज के आधार पर। मैं पहला आता है आपका मराइन अर्गलेसियस सेडिमेंटरी रॉक, दूसरा आता है हमारा लैक्ट्रोल लैकोस्ट्राइन, और तीसरा आता है हमारा रिवरिंग, ठीक है। तो मराइन मतलब दे आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट। जब बेसिकली रॉक का सेडिमेंट्री रॉक का ओशियन के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है मेनली इनके लिटोरल जोन यानी इनके किनारे पे, तो उन्हें बेसिकली मराइन एर्गिलेस रॉक कहा जाता है। उसके बाद जो इनका साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है कोस्टल लैंड से टूवर्ड एशिया, यानी हमने शुरुआत में भी देखा था कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, डोलोमाइट और चौक बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूँ लैकस्ट्राइन आर्गलेसियस सेडिमेंट्री रॉक की, तो ये बेसिकली जब लेक के किनारे किसी रॉक का फॉर्मेशन होता है तो उन्हें बेसिकली क्या कहता है, लैकस्ट्राइन आर्गलेसियस सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, यानी कि दे आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट इन द लेक इन्वायरमेंट। जनरली जो सेडिमेंट होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, फ्लोर के लेक पे डिपोजिट होते हैं, और मैराइन में हमने क्या देखा था, वो बेसिकली उसके किनारे पे डिपोजिट होते हैं, ठीक है। और इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इनके अंदर कोई भी साइज सेडिमेंट का साइज का वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है पोजीशन, जैसे कि हमने
समुद्र के अंदर देखा था कि जब किनारा से लेके बीच तक उनका क्या होता है साइज क्या होता है घटता जाता है, लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर तीसरा आता है आपका रिवराइन और ग्लेशियर सेडिमेंट्री रॉक। तो बेसिकली रिवर के किनारे जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है बेसिकली रिवराइन और ग्लेशियर सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ठीक है, दे आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन द रिवराइन एनवायरमेंट। द सेडिमेंट मे बी डिपोजिट इन द बेड ऑफ द रिवर एंड इन द फ्लड प्लेन। ठीक है, सर डिपोजिशन इंक्लूड एलुविया विच आर डोमिनेटेड बाई क्ले। इट मे बी पॉइंटेड आउट जो एलुवियल डिपोजिट होते हैं वो हर साल रिन्यू होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने देखा कि रिवराइन नदी में जो होती है हर साल हमारी बाढ़ आती रहती है, जिसकी वजह से जो एलुवियल सॉयल हमारे बेसिकली जमे होते हैं वो उखड़ के एक दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, फिर उसके अंदर कहीं और से एलुवियल सॉयल आके जम जाती है। ठीक है, इसलिए हर साल ये जो एलुवियल होते हैं हमारे बेसिकली हर साल रिन्यू होते जाते हैं। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूँ आपके एवोलियन सेडिमेंट्री रॉक की, तो एवोलियन सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सैंड ब्राउट डाउन बाई विंड, बेसिकली विंड के द्वारा। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक आर ग्रेटली डिस इंटीग्रेटेड ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग इन द हॉट एंड ड्राई रीजन। ठीक है, दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेंस क्वालिटी ऑफ सैंड ऑफ डिफरेंट साइजेस विंड पिक अप दिस सैंड डिपोजिट देम एट द वेरियस प्लेस। यानी कि इस लाइन पूरा मतलब क्या हुआ हमारा कि जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं हमारी, मान लीजिए इग्नियस रॉक जो होती है हमारी, वो जब डिसइंटीग्रेट हो जाती है किसी हॉट और ड्राई क्लाइमेट में, ठीक है, तो इस प्रोसेस में रिजल्ट क्या होता है, वो अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड होते हैं, जिन्हें इसलिए हम सैंड कहते हैं। और जब यही सैंड डिफरेंट साइज के इनको हवा उड़ा के कहीं ले जाके रॉक का फॉर्मेशन कर देती है, तो इन्हें बेसिकली एलुवियल सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन ऑफ सैंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लेयर विच लेड टू बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सेडिमेंट्री रॉक। लोइस जो होता है इसका एक मोस्ट एग्जाम्पल हो जाता है, मोस्ट सबसे ज्यादा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर जो होता है इस ग्रुप का। दीज होते हैं बेसिकली सॉफ्ट होते हैं और पोरस रॉक होते हैं, यानी कि वाटर जो होता है इनके द्वारा आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, तब जो लोइस होते हैं हमारे इरोड अब हो जाते हैं आसानी से। देखिए, जिस रॉक के अंदर वाटर जो होता है आसानी से चला जाता है वो आसानी से इरोड भी हो जाते हैं, लेकिन जिस रॉक के अंदर वाटर आसानी से नहीं जाता वो आसानी से इरोड नहीं दे सकते। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो लोइस सबसे ज्यादा मोस्ट आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो यही होता है कि जो हमारी एंटायर लोइसिक मास होती है वो बेसिकली एक वर्टिकल क्लिफ या एक वॉल की तरह बेसिकली बनी होती है। ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट होते हैं वो इतने लूज होते हैं, यानी एक तो ये वॉल को फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन जो ये वॉल फॉर्मेशन कर लेते हैं बहुत सी क्या होती है, बहुत लूज होती है, यानी इन्हें हम बेसिकली अपनी उंगली से भी निकाल सकते हैं, अपनी उंगली से भी तोड़ सकते हैं इनको। ठीक है, यानी कि आखिरी बात, जो मोस्ट एक्सेंटिव लोइसिक डिपॉजिट है वो बेसिकली नॉर्थ चाइना के पास पाया जाता है, जिसकी जो वेयर द थिकनेस ऑफ सेडिमेंट जो है वो करीब सेवरल हंड्रेड मीटर तक पाई जाती है। समझ लीजिए कि थिकनेस जो है सेवरल हंड्रेड मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, जो डिपॉजिट ये होती है बेसिकली येल्लो कलर की होती है, क्योंकि बेसिकली लाइन में रिच पाई जाती है, इसलिए बेसिकली येल्लो कलर में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए जो उस नॉर्थ चाइना के पास जहाँ पे रॉक पाई जाती है उसके पास जो रिवर के पास पाई जाती है उन्हें बेसिकली येल्लो रिवर कहा जाता है। यानी कि द येल्लो रिवर एंड ट्रिब्यूटरी इजिली क्या करती है, इरोड कर देती है लोइसिक डिपोजिट को, है रिवर जो होती है बेसिकली ओवरलोड हो जाती है। जैसा जो उसके अंदर ज्यादा मिट्टी जब पड़ जाएगी तो रिवर की जो भी ओवरलोड पड़ेगी और सिर्फ क्या होगा बेसिकली वो फ्लड में कन्वर्ट हो जाती है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट येल्लो रिवर ऑफ चाइना जो होती है वो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सेडिमेंट जो कैरी करती है वो येल्लो रिवर ही कैरी करती है, जो बेसिकली चाइना के अंदर पाया जाता है। ठीक है, द रिवर इज कॉल्ड येल्लो, जैसे मैंने बताया, क्योंकि बिकॉज ऑफ येल्लो कलर ऑफ सेडिमेंट, जो सेडिमेंट होते हैं बेसिकली क्या करते हैं येल्लो कलर के पाया जाते हैं, इसलिए इन्हें येल्लो कलर कहा जाता है, जो कि बेसिकली विच आर डिराइव थ्रू द इरोजन ऑफ येल्लो कलर चाइनीज लोएसिस। ठीक है, अब हम बात करें ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक की, तो ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट कैरीड बाई क्या करते हैं ग्लेशियर्स के द्वारा, जो सेडिमेंट हमारे कैरी कर जाते हैं और कहीं जाके इकट्ठा हो जाते हैं बेसिकली ग्लेशियर सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ठीक है, ग्लेशियर सर्च जो होते हैं बेसिकली मासिव सीट के, हम जानते हैं ग्लेशियर क्या होते हैं, बेसिकली मासिव सीट ऑफ आइस होते हैं जो कि मूव करते हैं ओवर द लैंड एंड कैरिंग एंड ग्राइंडिंग बेसिकली, जाहिर सी बात है हमारे ग्लेशियर होते हैं बहुत ही भारी होते हैं, जिनके अंदर जो नीचे जो रॉक होते हैं इनको बेसिकली क्या करती ग्राइंडिंग करते हैं दबाते हुए और अदर डेब्रिस अलोंग विद देम ले जाती है, और एज द ग्लेशियर जो हमारे मूव करते हैं बेसिकली डिपोजिट को पीछे सेडिमेंट को लीव कर जाते हैं, और जब ये सेडिमेंट कंप्रेस होके सीमेंट हो जाते हैं तो इन्हें बेसिकली रॉक का फॉर्मेशन होता है, जिसे बेसिकली ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो बेसिकली
फोर कंडीशन में क्या होते हैं, डिपोजिट होते हैं। देयर फोर इनको चार टाइप में रखा गया है। पहला आता है हमारा लेटरल मोराइन, दूसरा आता है हमारा मीडियल मोराइन, तीसरा आता है ग्राउंड मोराइन, तो चौथा आता है टर्मिनल मोराइन। पहले की अगर बात करूँ तो जब हमारे ग्लेशियल मटेरियल जो होते हैं तो ग्लेशियर के साइड में किसी एक इस साइड, या मान लीजिए हमारी क्या हुई ग्लेशियर हो गई, ठीक है, ये क्या हुई, ये इस तरह बेसिकली हमें रिमूव कर रही है। तो यानी इस साइड में और ग्लेशियर के पिछल साइड में जब सेडिमेंट हमारे डिपोजिट होकर उनका रॉक फॉर्मेशन होता है तो बेसिकली लेटरल मोराइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन ग्लेशियर सेडिमेंटरी मटेरियल आर डिपोजिट अलोंग द ज्वाइनिंग ग्लेशियर, यानी कि ये ग्लेशियर हो गई और एक ग्लेशियर कहीं जा ग्लेशियर से बेसिकली ज्वाइन हो गई, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट हमारा बेसिकली पाया जाता है उन्हें बेसिकली मेडियल मोराइन कहा जाता है। फिर तीसरा आता है हमारा ग्राउंड मोराइन। व्हेन द ग्लेशियर मटेरियल आर डिपोजिटेड इन द ब्लेड ऑफ बेड ऑफ द ग्लेशियर, यानी कि बेसिकली इनके नीचे जब पाए जाते हैं सेडिमेंट उन्हें बेसिकली ग्राउंड मोराइन कहा जाता है। फिर चौथा आता है हमारा टर्मिनल मोराइन। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द ग्लेशियर इज एबलेटेड एंड मटेरियल आर डिपोजिटेड देयर इन, यानी कि जब ग्लेशियर हमारे पूरी तरह पिघल जाती है कई बार, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट इसके जो पार्ट बच जाते हैं, मटेरियल जो बनते हैं, उन्हें बेसिकली टर्मिनल मोराइन कहा जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हमारा सेडिमेंटरी रॉक का जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई थिंक कुछ पार्ट हमारा छूटा नहीं हुआ सेडिमेंटरी रॉक के अंदर, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को देख रहा है या देख रहे होंगे तो इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ हमें फीडबैक बेसिकली प्रोवाइड करें कि किस तरह से हम अपने चैनल को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में मेटामॉर्फिक रॉक के बेसिकली लेक्चर के साथ। जय हिंद।